फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज ये वीडियो जिस लोकेशन से शूट हो रहा है, मधुबनी, राइट। मधुबनी का बहुत ही सुंदर हमारा जो तहसील डिस्ट्रीब्यूटर है, आपको बाद में मैं कैमरामैन को बाद में बताऊंगा कि पूरा डीडी आपको दिखाए। लेकिन आज का जो टॉपिक है मेरा, विद अ लेटेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च, यानी कि ये IMC का बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट है जो लॉन्च हुआ है। और ये ऐसा प्रोडक्ट है जो आई थिंक जब से IMC चल रही है तब से हर एक डिस्ट्रीब्यूटर की डिमांड रही है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां पे ये प्रॉब्लम से कोई शिकार नहीं हुआ होगा। और वो टॉपिक है बुखार। हर घर में छोटे बच्चे होते हैं और बच्चों वाले घर में बुखार आना या बच्चों का बीमार रहना बहुत ही आम बात है। बच्चे ही नहीं, बड़े भी आज की तारीख में बुखार से पीड़ित रहते हैं। कई बार अगर किसी व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस है, कई बार हम लोग बोलते हैं ना सर टीबी हुआ है, तो टीबी का अगर आपको बुखार की बात करूं, जो जिनको भी ट्यूबरक्लोसिस हुआ है उनको बुखार ज्यादातर शाम के वक्त, उनको दिन में कभी भी बुखार नहीं रहता, उनको जो भी है बुखार आता है वो शाम के वक्त ही आता है। बाकी ऐसे कई तरह के बुखार होते हैं आज की तारीख में, जैसा कि वायरस कई जगह फैले हुए हैं, वायरस, बैक्टीरिया, स्वाइन फ्लू, डेंगू, इसके बाद पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन जो मैंने लिखा हुआ है पहले, यानी कि कई बार आपको बुखार रहता है, आप जांच करवाते हो, डॉक्टर आपकी कई सारी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, मगर जांच में कोई भी उनको पकड़ नहीं पाता है डॉक्टर के आखिर में माजरा क्या है। कई बार ऐसा होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपके सारे एक्सरे करवा देते हैं, सारे आपके सोनोग्राफी MRI करवा लेते हैं, लेकिन बुखार किस चीज का है ये डॉक्टर्स पता नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा कि ये जितने एलोपैथिक मेडिसिन है, जिसको हम लोग अंग्रेजी दवाई बोलते हैं, उन लोगों की पैथी टोटली रिपोर्ट्स के ऊपर आधारित है। अगर रिपोर्ट्स नहीं होंगे तो वो लोग इलाज नहीं कर पाएंगे, राइट। लेकिन आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी में बिना रिपोर्ट्स के भी इलाज संभव है। तो फ्रेंड्स, ऐसे जितने भी बुखार आप जानते हो जिसका कारण आपको पता नहीं लग पा रहा है, तो हमारा ये जो IMC का रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। एक्यूट एंड क्रॉनिक फीवर, अगर घर में आपको रात में 100, 101, 102 फीवर आ जाता है और आसपास कहीं डॉक्टर नहीं होता, तो भी आप ये जो हमारे IMC का प्रोडक्ट है, एक्यूट क्या मतलब होता है कि अभी 2-3 दिन पहले से आपका शुरू हुआ बुखार, और क्रॉनिक मतलब लंबे समय से एक मरीज है जिसको लगातार सुबह शाम हल्का सा उनको बदन गर्म रहता है। ज्यादातर लोगों को आपने देखा होगा कहते हुए कि मुझे डॉक्टर ने बोला हुआ है हड्डी का बुखार। आई एम श्योर सभी लोग ये बात जानते हैं, राइट, कि अगर डॉक्टर को कोई कुछ नहीं मिलता तो उसको कहा जाता है हड्डी का बुखार। उस पेशेंट को लगातार उनकी हड्डी में दुखता रहता है, हल्का हल्का अंदर से उनको हरारत महसूस होती है, लेकिन सामने वाला अगर उनके हाथ पकड़ता है, हाथ नापता है, तो उसको बिल्कुल भी उसका बदन गर्म नहीं लगता, लेकिन उस मरीज को अंदर से हरारत महसूस होती है, राइट। तो फ्रेंड्स, ऐसे जितने भी केसेस हमने डिस्कस किए, फिर कफ, कोल्ड और ब्रोंकाइटिस, जब भी बुखार का अटैक आता है डेफिनेटली कोई ना कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे अंदर जाता है, जिसके कारण हमारा शरीर का जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, फ्रेंड्स आपको एक बात यहां पे बेसिक जानकारी में देना चाहता हूं, जितनी बार आपको बुखार आता है, बुखार आना आपके बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म काम सही कर रहा है इसका प्रमाण है। यानी कि बुखार तब आता है जब हमारे शरीर के अंदर या तो वायरस या बैक्टीरिया घुस जाता है, और वायरसेस और बैक्टीरिया गर्माहट में थ्राइव नहीं कर सकते, यानी कि अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो वायरस बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए हमारे बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, बॉडी अपने आप उस वायरस और उस बैक्टीरिया को बाहर निकालने के लिए अपना टेम्परेचर को बढ़ा देती है। 1 या 2 दिन यदि आपको बुखार आ जाए तो उसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत कोई दवा लेने की भी जरूरत नहीं है। मगर अगर कोई भी बुखार 3 दिन से ज्यादा अगर चलता है, 3 दिन से ज्यादा, साथ में अगर आपको खांसी, सर्दी, लगातार जुकाम चल रहा है और बदन दर्द भयंकर आपको हो रहा है, तब आपको यानी कि 3rd डे ऑनवर्ड्स आपको इलाज करना जरूरी हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, IMC का जो लेटेस्ट लॉन्च, जो हाईली अवेटेड प्रोडक्ट था, फीवर गार्ड, राइट, जैसा नाम है फीवर गार्ड, ये आपको हर बुखार से गार्ड करेगा, यानी कि आपकी सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा। अंत में मैंने कहा था ट्यूबरक्लोसिस, बोन फीवर, कफ, कोल्ड, ब्रोंकाइटिस, कई लोगों को खांसी, खांसी इतनी ज्यादा खांसी बढ़ जाती है बुखार के साथ साथ, कमजोरी, खांस खांस के वो कमजोर हो जाता है, हरारत महसूस होती है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बता दूं, सिर्फ फीवर गार्ड देने से काम नहीं चलेगा। फीवर गार्ड टैबलेट तो आप हर बुखार में आप दे सकते हो, छोटे बच्चे को अगर देना है तो आधी गोली दिन में दो बार दे सकते हो, बड़ों को अगर दे रहे हो, नॉर्मल अगर बुखार है, सर्दी खांसी बुखार, एक गोली दिन में दो बार दे सकते हो। मगर अगर उसको जॉन्डिस, टाइफाइड जैसा कोई बुखार चल रहा है जिसको क्रॉनिक उसमें कहते हैं, तो आप इसको दो दो गोली दिन में दो बार देना है। मगर अगेन एक बात आपको बता दूं, सिर्फ फीवर गार्ड देने से काम नहीं चलेगा। फीवर गार्ड के साथ में आपको सबसे पहले, क्योंकि जब भी किसी को बुखार आता है उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर हो जाती है, तो रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको श्री तुलसी दो दो बूंद दिन में चार बार गुनगुने पानी में देना अनिवार्य है। इसके साथ में खून की मात्रा में वेरिएशंस आते हैं। जिस व्यक्ति को बुखार आता है, या तो उसके WBC काउंट्स ऊपर हो जाते हैं, या तो उसके RBCs कम हो जाते हैं, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स कम हो जाते हैं, यानी कि उसकी इम्यूनिटी, कभी कभी आपने देखा होगा कई लोग खांसते बहुत है, तो खांसने में ज्यादा में उनका एक रिपोर्ट आता है, आप लोग गौर करना, जब रिपोर्ट मिलती है आपको उस पर एक टेस्ट आता है जिसको कहते हैं ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अगर 0 से लेकर 10 तक वो रिपोर्ट है वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, मगर अगर 10 से ऊपर है, 15, 20, 25, 50, तो डेफिनेटली वहां पे बॉडी के अंदर उसको इन्फेक्शन बड़ी मात्रा में घुस चुका है। तो इसको भी साथ में, यानी कि हमारा जो वीट गोल्ड टैबलेट है, दो गोली सुबह दो गोली रात को, ये बुखार में अगर खांसी के साथ है तो आपको ये देना अनिवार्य है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कफ केयर सिरप आपको 20-20 ml दिन में तीन बार इसको जरूर देना है। ये जो फीवर गार्ड मैंने बताया, जितने भी तरह के फीवर है, चाहे उस व्यक्ति को माथे में चढ़ गया हो, चाहे जॉन्डिस है, चाहे मलेरिया है, चाहे स्वाइन फ्लू है, चाहे डेंगू हो, चाहे नॉर्मल स्वाइन फ्लू या नॉर्मल इन्फ्लुएंजा जिसको कहते हैं, नॉर्मल फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, या जिसकी हड्डी में दुख रहा है, इसके साथ में आप उसको एसोसिएट कैल्डी भी दे सकते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं ये फीवर गार्ड टैबलेट अभी मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में सब जगह ये प्रोडक्ट पहुंच चुका होगा। गर्मी का सीजन है, फीवर का आउटब्रेक्स बहुत ज्यादा होता है। इस प्रोडक्ट की जानकारी आपको जिस भी व्यक्ति ने इस वीडियो को फॉरवर्ड किया है उस व्यक्ति से तुरंत मिलिए, इस प्रोडक्ट की जानकारी लीजिए, और IMC के प्रोडक्ट्स कहाँ पे अवेलेबल होंगे उस व्यक्ति से जिसने आपको वीडियो भेजा है उससे पूरी जानकारी लीजिए। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो डॉक्टर आनंद बाजपाई मुंबई आप सर्च करें और इसको सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जरूर अपने अपने चैनल्स पे आप लोग शेयर करें ताकि एक समृद्ध भारत और एक स्वस्थ भारत की जो हमने नींव रखी है IMC वालों ने, ये आपके माध्यम से आप और हम साथ में हाथ लेकर इसको हम इस मिशन को पूरा कर सके। तो फ्रेंड्स जय हिंद, गुड IMC, गॉड ब्लेस यू।